जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट सीहोर के कोलार डैम का निरीक्षण करने पहुंचे और अधिकारियों पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। मंत्री सिलावट ने कोलार डैम का निरीक्षण किया। कोलार डैम के ऊपर से निकलने वाले मुख्य मार्ग कई जगह से क्षतिग्रस्त था, बड़े बड़े गड्ढे हैं, इसी को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और अधिकारियों को फटकार लगाई। ये कोलार डैम का उन्होंने निरीक्षण किया, जब उन्होंने देखा कि बड़े बड़े गड्ढे हैं, तब उन्होंने ये भी कहा कि क्या इसके लिए भी मुझे ही बताना होगा, इसे सुधारने के लिए भी मुझे ही बताना होगा। ये तमाम नाराजगी उनकी सामने आई। स्वागत कर रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से, हम डॉक्टर मोहन कोई आपके हिसाब से ओपन देना है। पूरी मध्य प्रदेश की सरकार के डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री का दावित है कि मध्य प्रदेश का नाम तालाबों की रक्षा की जाए, उसके आने जाने की जो सुरक्षा की दृष्टि से जो डैम में ज़्यादा मुझे सुरक्षा की दृष्टि से जो निर्देश देना जो दिए हैं और ये जल्दी जल्दी पूरे होंगे, सबको अधिकारी को निर्देश दिए। इससे पहले दोनों क्यों नहीं किया था, पहले क्यों नहीं किया था? एक बात, जब पहले निर्देश दिए तो पूरा हो गया, अब जो आप निर्देश दे रहे हो जल्दी पूरे हो जाए। बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियां बढ़ गई हैं और मौसमी बीमारियों के बढ़ने के चलते ग्रामीण इलाकों में झोलाछाप डॉक्टर सक्रिय हैं। झोलाछाप डॉक्टर को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि जिन लोगों के पास मरीज के इलाज करने के लिए डिग्री नहीं है, ऐसे डॉक्टर्स को लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। ये और बात है कि बालाघाट के लांजी से जो बीजेपी के विधायक हैं वो कह रहे हैं कि अगर फर्जी डॉक्टर्स पर या झोलाछाप डॉक्टर्स पर कोई कार्रवाई हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निश्चित रूप से हमारी भारत सरकार के भी इसमें स्पष्ट निर्देश है, मध्य प्रदेश शासन में स्वास्थ्य विभाग ने भी निर्देश जारी किए हैं कि जो भी वैधानिक रूप से प्रैक्टिस कर रहा है, जो भी उचित पढ़ाई करके उचित लाइसेंस बना के प्रैक्टिस कर रहा है, उनको तो हम प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो केवल डॉक्टर के नाम से क्लिनिक के नाम से जिनकी उचित न प्रशिक्षण हुआ है ना पढ़ाई हुई है, ऐसे लोग यदि कोई काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक है, उनको रोकने का काम हमारा स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल करौन में मेट्रो परियोजना का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि करौन चौराहे पर 3-tier ट्रांसपोर्टेशन होगा, सबसे ऊपर मेट्रो, फिर फ्लाईओवर और नीचे सर्विस रोड निकलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि एयरपोर्ट से रत्नागिरी चौराहे तक 6-lane सड़क का कार्य प्रगति पर है। करौन में मेट्रो लाइन डालने का काम शुरू हो चुका है। ये पूरा जो प्रोजेक्ट है करीब 4 साल में पूरा होगा। है जिसमें एयरपोर्ट से लेकर और रत्नागिरी तक संपूर्ण क्षेत्र 6-lane का हो जाएगा, उसमें कम से कम फ्लाईओवर, कितने फ्लाईओवर हैं? 18 फ्लाईओवर रहेंगे छोटे बड़े मिलाकर। करोच चौराहे पर एक बड़ा फ्लाईओवर आने वाला है, लगभग 1.25 किलोमीटर का वो रहेगा, क्योंकि ये दोनों काम एक साथ होने और बहुत खूबसूरत नजारा होने वाला है ऊपर से।